आज अचानक ही मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया कि आपने जिस गेम के लिए रजिस्टर किया था आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने बिना किसी देरी के इंस्टॉल किया इस गेम को, और बहुत दिन से वेट था मुझे इस गेम का क्योंकि मैं पबजी से भी थक चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने इस गेम को इंस्टॉल किया और आप टेंशन गेम्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा है इसका लोडिंग स्क्रीन। इसको मैंने ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और एक्टिविजन ने बनाया है इसे। टेंशन गेम ही है जो कि डेवलपर है पबजी का भी, पर पार्टनर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये गेम अब लोड हो रहा है, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मैंने इस गेम को पहले खेला नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और शुरू किया जिससे पता चले आपको भी कि ये गेम कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फेसबुक और गेस्ट मोड। मैंने पहले फेसबुक पे क्लिक कर दिया पर मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि वो शायद टाइम लेता, इसलिए मैंने उसे कैंसिल किया और गेस्ट मोड के लिए ही आगे बढ़ा। इसलिए मैंने फेसबुक वाला ऑप्शन जो था उसे कैंसिल कर दिया। अब ये दोबारा से लोड हुआ और फेसबुक का कैंसिल करने के बाद और अब फिर से गेस्ट मोड आ चुका है, इसलिए मैं गेस्ट मोड ही शुरू करूँगा जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखा सकूँ बिना किसी लोडिंग के। और यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं था कि यहाँ पे नाम क्लिक करना है, इसलिए मैं ओके दबा दिया। यहाँ पे नाम अब मैं लिखना जा रहा हूँ और मैंने कोशिश की कि मैं पबजी वाला ही अपना नाम यूज़ करूँ यहाँ पे यूज़र नेम, पर किसी महान आत्मा ने वो नाम पहले ही यूज़ कर लिया है इस गेम में, इसलिए वो तो मैं नहीं कर पाया। चिंटामा एक्स ही मेरा नाम है पबजी में, पर दैट इज़ ऑलरेडी इन यूज़। तो मुझे एक नया नाम चुनना पड़ेगा और एक नया नाम चुनने के लिए सबसे ईजी तरीका होता है आप लास्ट में नंबर यूज़ करिए, वही मैंने किया। और चिंटामा X01 एक्सेप्टेड। यहाँ पे भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने, लोडिंग स्क्रीन लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा था ये। और यहाँ से गेम चालू हमारा, ये हमारा शायद इन गेम गाइड रहेगा जो हमें अब अभी ये हमारी ट्रेनिंग चलेगी। यहाँ से ये हम ट्रेनिंग स्क्रीन में आ चुके हैं, ट्रेनिंग गेम प्ले में, जो कि हमें बता रहा है मूवमेंट्स। और ये रहा पहला स्क्रीन, नीचे गन M4 गन है यहाँ पे, पहला असॉल्ट राइफल। ये बिल्कुल पबजी जैसा तो नहीं कहूँगा मैं, ये आप कॉल ऑफ ड्यूटी, टिपिकल कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले चल रहा है जहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू है। और पबजी ज़्यादातर हमेशा से वो थर्ड पर्सन व्यू पे एम्फेसाइज करता रहा है, उसमें फर्स्ट पर्सन व्यू भी बहुत दिन बाद आया था, बहुत अपडेट्स बाद आया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये गेम हमेशा शुरू में मुझे लगता है कि फर्स्ट पर्सन व्यू ही ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा, और थर्ड पर्सन व्यू आएगा भी कि नहीं आएगा आई डोंट नो। और ये रहा टैप टू एम, यहाँ पे एमिंग हमें सिखाते हुए गेम। अब हमें आगे बढ़ना है, मूव टू द नेक्स्ट टारगेट, सेटिंग्स पर क्लिक, ओके टैप सेटिंग्स। और यहाँ पे दो फायरिंग मोड हैं, सिंपल और एडवांस। तो एडवांस ही रखूँगा मैं क्योंकि थोड़ा कंट्रोल्स उसमें आपको मिलता है, इंडिविजुअल कंट्रोल्स, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि फायर कैसे करना है कब करना है, वरना आप सिंपल कंट्रोल पे रहेंगे तो आप टारगेट पे ले जाते ही आप शूट करने लगेंगे अपने आप, आपका कैरेक्टर शूट करने लगेगा। तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं, मैं अपने हाथ में ही कंट्रोल रखना पसंद करता हूँ। देखिए दोबारा से पूछ रहा है आपका फेवरेट फायरिंग मोड क्या है, तो सिंपल और एडवांस। सिंपल में आपको शूट बटन नहीं दिया जाएगा, एडवांस में शूट बटन रहेगा, तो मैं शूट बटन रहना पसंद करूँगा। ये मुझे एक और गन मिला और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये गन, ओके तो स्नाइपर राइफल मुझे मिली है। चलिए स्नाइपिंग थोड़ी कर लेते हैं, मेरा फेवरेट पार्ट। और चलिए दो टारगेट आ रहे हैं और टारगेट के इर्द गिर्द शोल्डर पे आप देख सकते हैं एक मार्कर है रेड कलर का, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे उन्हें थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आई थिंक सो। और अब ओके मिसाइल, ओके आप इसमें एयर ड्रॉप्स भी करा सकते हैं, वो हो तो काम तमाम, चार एक साथ ढेर हो गए, विक्ट्री हो गई हमारी। ये हमारे गाइड आ गए। लोडिंग स्क्रीन को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ यहाँ पे। ओके हमारा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो चुका है, हम आगे लेवल 2 पे आ चुके हैं आई गेस सो।
नहीं ओके अब गेम शुरू होने वाला है हमारा मल्टीप्लेयर पे क्लिक स्टार्ट पे क्लिक वेटिंग टाइम 1 सेकेंड लोडिंग स्क्रीन और टीम हमारी तैयार है हमारी टीम ब्लू वाली है और न्यू टाउन फ्रंट लाइन पे हम खेलेंगे और ये जो गेम है न्यू टाउन फ्रंट लाइन ये जो एरिया है ये पबजी में जैसे टीडीएम वेयर हाउस है बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है ये और फर्स्ट पर्सन होने की वजह से इस गेम का थोड़ा लेआउट अलग लगता है गेम खेलने में मज़ा आएगा आपको क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि इसके ग्राफिक्स आपको बहुत ही रियल लगते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप सच में यहाँ पे हैं पबजी में आपको ऐसे ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेंगे और मैं थोड़ा लेट था चेस करने में इन लोगों को और हमेशा कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और वैसे ही यहाँ पे है यहाँ पे तो मैं बहुत जल्दी मर गया पर कोई बात नहीं अभी मैं इस गेम को समझ ही रहा हूँ तो यहाँ पे जज मत करना कि मैं कैसा खेलता हूँ बेकार खेलता हूँ ऐसा वैसा कुछ क्योंकि आपको आखिर में सरप्राइज देखने को मिलेगा ये मैं एम करता हुआ आगे बढ़ो और आप ग्राफिक्स देखिए बस देखिए कार गाड़ी सामने की कार आप देखिए कितना रियलिस्टिक सा ग्राफिक्स है यहाँ यूज़ किया गया इस गेम में इसीलिए मैं इस गेम को वेट कर रहा था क्योंकि मैंने इस गेम के गेम प्ले अमेरिका और कनाडा जहाँ भी ये रिलीज़ हो चुका है पहले वहाँ के मैंने गेम प्ले देखे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका ग्राफिक्स लेकिन गेम तो एक जैसा ही होगा जैसा और वहाँ पे देखिए अब मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे टीम प्लेयर्स हैं मेरे टीम प्लेयर्स के पास सर के ऊपर एक गोल्ड कॉइन सा रहता है जिससे आप पहचान सकेंगे कि वो आपके टीम प्लेयर हैं और अपोनेंट के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं तो जैसा मुझे लगा था कि इर्द गिर्द इनके रेड कलर का शोल्डर के पे कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं है हाँ रेड आपको वो दिखा ज़रूर देता है कि आपके अपोनेंट हैं पहचानने के लिए पर थोड़ी देर के लिए और अब दोबारा से मैं आगे बढ़ते हुआ और यहाँ पे आप देखोगे कि दोबारा से ये आते तो हैं पर कुछ भी रेड सा दिखाता नहीं है जैसे पबजी में ऐसा होता है तो थोड़ा ही देर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही होता है यहाँ पे मैंने सोचा कि एक मिसाइल ड्रॉप करा दिया जाए पर मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया इसलिए मैं कर नहीं पाया और बहुत सारी गोलियाँ मुझे लग गई पर कोई बात नहीं मैं बच गया यहाँ पे मेरा एक टीम प्लेयर आके मुझे बचा लिया वरना जितने लोग थे यहाँ पे सामने मैं तो गया ही था पर कोई बात नहीं और मुझे पता था कि वो सामने है इसलिए मैंने शूट करना जारी रखा यहाँ पे मुझे लगता है गेम ओवर ही है ओके गेम ओवर हो चुका है स्पेशल फोर्सेस 20 गोरिल्ला स्क्वाड ओनली 9 तो मुझे लगता है सामने वाली टीम भी अभी नई नवेली नूब थी जिसे आप पबजी की भाषा में नूब कहते हैं तो पूरी टीम ही नूब लगी मुझे और ये फाइनल शॉट था जो एक अलग कैम व्यू से दिखाया गया तो इस गेम के कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं जो आपको पूरा इमर्सिव फीलिंग देते हैं इस गेम में आपको ऐसा लगता है कि आप सच में उस गेम को गेम के अंदर हैं तो आप देख सकते हैं और आगे शुरू का मेन्यू लास्ट का मेन्यू आपको पबजी जैसा ही लगेगा चलिए हम लेवल 2 में एंटर कर चुके हैं हमें एक फ्रैग ग्रेनेड भी मिल चुका है और M4 गन भी है ही जिसके XP 50 हम कैलकुलेट कर चुके हैं और अब कंफर्म हम करते हैं हमारी ये टीम रही सबसे किल्स मेरे ही ज़्यादा हैं जो कि हैं 10 तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ देखने को मिल ही जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ऑलवेज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस गेम को मैं पहली बार खेल रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि इसका पहला गेम प्ले कैसा होता है इसके सेटिंग्स कैसे होती हैं और आपको अगर ये गेम खेलना है तो आपको शुरू में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो पहले ट्रेनिंग होती है बाद में गेम प्ले होता है आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है लेवल वाइज आपके अपग्रेड्स होंगे और ये रहे आपके सब कुछ सेटिंग्स करने हैं धीरे धीरे आपको इक्विपमेंट मिलेंगे जो आप धीरे धीरे अपने आसरण में जोड़ते जाएंगे वो आप गेम प्ले में यूज़ कर पाएंगे सब कुछ एक साथ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसा कि पबजी में होता है तो इसे आप पबजी जैसा बिल्कुल मत समझिएगा एक कॉल ऑफ ड्यूटी गेम ही है ये और मॉडर्न कॉम्बैट अगर आपने खेला होगा तो आप उससे भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इस गेम को
कुछ ही ऑप्शंस इंस्पायर्ड हैं पबजी से, सब कुछ आपको पबजी ऐसा नहीं मिलने वाला, इसके बारे में आप गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस गेम का जॉम्बी मोड कैसा है या फिर क्लासिक मोड कैसा है ये मुझे अभी तो नहीं पता, क्योंकि मैं अभी बस इतना ही खेल पाया हूँ इस गेम को। इसलिए आगे आगे जैसा भी गेम होता रहेगा वैसे मैं आपको वीडियोस बना के या फिर किसी भी मीडियम से आपको मैं बताता रहूँगा। बाकी आपको भी कहूँगा कि आप ट्राई करिए, मेरे बताने से पहले ही ट्राई कर लीजिए। अब अगले गेम प्ले में आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय।